أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو، मैं हूँ मोहसिन रजा और आप लोग देख रहे हैं VSSS वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो, हर लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो BT301 इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी की हमारी जो असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है स्प्रिंग 2020 सेमेस्टर की, उस हवाले से है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले जो है अपनी इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स को देखे बगैर हम अपनी कोई भी असाइनमेंट, कोई भी GDB सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट आप लोगों को दोस्तों स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं। टोटल टाइम ऑफ ऑडियो इंट्रोडक्शन विल बी 5 मिनट, कि आपने एक ऑडियो फाइल बनानी है, दैट द ड्यूरेशन हैव 5 मिनट। इसमें आपने करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिस्क्राइब द कोर्स नेम एंड द कोर्स कोड। ये आपकी जो है 30 सेकंड की ऑडियो होनी चाहिए। योर इंट्रोडक्शन 2 मिनट, फिर इसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है जो कि एटलीस्ट 2 मिनट का हो। योर एकेडमिक बैकग्राउंड, फिर आपने अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताना है। व्यूज अबाउट कोर्स 1 मिनट, उसके बाद आपने ये जो कोर्स BT301 पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, इसके व्यूज के बारे में आपने कुछ बताना है। उसके बाद लास्ट में एक्सपेक्टेशन अबाउट द कोर्स, आपने इस कोर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये आपने बताना है 30 सेकेंड के ऊपर। दिस असाइनमेंट कैरीज 5 मार्क्स, ये आपकी 5 नंबर की असाइनमेंट है। ऑडियो इंट्रोडक्शन फाइल शुड बी अपलोडेड ऑन LMS नॉट लेटर देन 20 मई 2020, कि आपने ये जो ऑडियो फाइल बनाई है ये आपने 20 मई तक जो है अपने LMS के ऊपर अपलोड करनी है। तो दोस्तों, ये है हमारी आज की असाइनमेंट और ये उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ये पॉइंट्स की सूरत में दी गई हैं, जो कि 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट हैं आपके। चलते हैं जी इसके सॉल्यूशन की तरफ। दोस्तों, इसके सॉल्यूशन में हमें जो है कुछ हिंट दिए गए हैं, बल्कि समझ लें कि कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि हमने इस असाइनमेंट को बनाना कैसे है। इसमें हमें बताया गया है ओपन विंडो सर्च, आपने विंडो जो है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की वो ओपन करनी है और वहां पे सर्च बार के अंदर जाना है, और इन द सर्च बार यू हैव टू राइट द साउंड रिकॉर्डर, आपने वहां पे साउंड रिकॉर्डर लिखना है इन द सर्च बार, सर्च बार के ऊपर एंड क्लिक एंटर और फिर एंटर का बटन दबाना है। सेलेक्ट द प्रोग्राम साउंड रिकॉर्डर, आपने साउंड रिकॉर्डर जो है प्रोग्राम वो सेलेक्ट करना है। ओपन इट एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग, आपका ये जब प्रोग्राम ओपन हो जाएगा इसके बाद आपने अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। सेव द फाइल, आपने फिर फाइल को सेव करना है एंड सेंड इट थ्रू द LMS, और फिर आपने इसको जो है LMS के ऊपर जो है अपलोड करना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ इंस्ट्रक्शन इस असाइनमेंट को सॉल्व करने की। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होंगी। हम जो है मैं आपको प्रैक्टिकली लेकर चलता हूँ, और ये साउंड रिकॉर्डर भी हम सर्च करेंगे और उसके अंदर अपनी वो जो असाइनमेंट हमें दी गई है विद द शेप ऑफ 5 पॉइंट, वो भी हम लोग करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्लिक करेंगे स्टार्ट के बटन पे, या आप कीबोर्ड पे एक विंडो का बटन होता है जो आपकी कंट्रोल की के बिल्कुल साथ होता है, आप वो प्रेस करेंगे तो आपका ये जो मेन्यू है स्टार्ट मेन्यू, ये ओपन हो जाएगा। अब इसकी सर्च बार के अंदर आपने क्या करना है, आपने लिखना है जी साउंड रिकॉर्डर। अब यहाँ पे देखें, मैं इस वक्त विंडो 10 यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है मेरे पास वॉइस रिकॉर्डर लिखा हुआ आ रहा है।
तो आपके पास जो है अगर विंडो 10 है तो वहां पे भी आपके पास भी साउंड रिकॉर्डर ही लिखा हुआ आएगा, लेकिन अगर आप विंडो 7 या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहां पे आपके पास साउंड रिकॉर्डर लिखा हुआ आए। तो आपने ये जो आपके सामने वॉइस रिकॉर्डर लिखा हुआ आया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है या एंटर कर देना है। जब आपके सामने ये साउंड रिकॉर्डर जो है ओपन हो जाएगा, तो आपने इसके अंदर अपनी वो ऑडियो जो है इंट्रोडक्शन वो रिकॉर्ड करना है। उसको रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे देखें, विंडो 10 का जो आपका साउंड रिकॉर्डर है, यहाँ पे सिर्फ एक माइक बना हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपके पास अगर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहां पे प्ले का बटन या पॉज का बटन या स्टार्ट का बटन या उसको स्टॉप का बटन, ऐसे सारे बटन बने हुए आए। यहाँ पे विंडो 10 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पे सिर्फ हमें ये माइक का बटन नजर आ रहा है। व्हेन वी आर क्लिकिंग ऑन दैट माइक आवर ऑडियो इज रिकॉर्डिंग, हमारी जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद फिर यहाँ यहीं पे हमारा स्टॉप का बटन भी आएगा, और जब हम उस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वो ऑडियो रिकॉर्ड होना वो रुक जाएगी। तो हम जो है अपनी ऑडियो और रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। अब इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है हमने यहाँ पे देखें एक टाइम स्टार्ट हो गया है और नीचे जो है वो स्टॉप का बटन आ गया है। हमने अपनी असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, तो उसमें हमें जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट दी गई थी दैट इज टू डिस्क्राइब दी सब्जेक्ट नेम एज वेल एज द सब्जेक्ट कोड। तो यहाँ पे आवर सब्जेक्ट इज BT301 इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद जो हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ विद इन 2 मिनट। आपने जो है इंट्रोडक्शन देना है 2 मिनट का, वो हम यहाँ पे बोल लेते हैं। दिस इज मोहसिन रजा, आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। यू हैव गॉट हेयर द आइडिया ऑफ योर असाइनमेंट एंड द आइडिया ऑफ योर क्विजेज एंड द आइडियाज ऑफ योर GDBs अलॉन्ग विद द 100% करेक्ट सोल्यूशन। माई सेकेंड यूट्यूब चैनल इज द 24/7 टीचर्स ऑनलाइन वेयर यू हैव फाइंड द शॉर्ट लेक्चर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट विच इंक्लूड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, बिजनेस फाइनेंस, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस असेंबली लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आफ्टर दैट यू हैव सीन माई थर्ड यूट्यूब चैनल दैट इज नोन एज द की टू सक्सेस। ऑन दैट चैनल यू हैव सीन द डिफरेंट MCQs पैक ऑफ 50 MCQs ऑलमोस्ट। दीज वीडियोज आर हेल्प यू टू प्रिपेयर योर मिड टर्म एग्जामिनेशन एज वेल एज योर फाइनल टर्म एग्जामिनेशन। तो आई विल रिकमेंड यू दैट यू मस्ट सब्सक्राइब माई थ्री यूट्यूब चैनल। द फर्स्ट वन इज द वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दिस विल हेल्प यू टू गेट योर आइडिया सोल्यूशन रिलेटेड टू योर असाइनमेंट, रिलेटेड टू योर GDB, रिलेटेड टू योर क्विज़। एंड द सेकेंड चैनल वाज दी 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। इफ यू वॉन्ट टू लर्न माई लेक्चर्स तो देन यू मस्ट सब्सक्राइब द 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। दिस विल हेल्प यू अलॉट टू लर्न एनी सब्जेक्ट विच आई हैव बीन डिस्क्राइब्ड अर्लियर, which include financial accounting especially because most of the student have faces the problems in these subject, so that's why I have recorded these lecture to provide and solve the student queries. तो इस तरीके से आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, जैसे मैंने अपने डिफरेंट 3 चैनल्स का इंट्रोडक्शन दिया है। आफ्टर दैट आप लोगों ने अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताना है, तो वो एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में आप लोग कैसे बताएंगे कि आई हैव डन MS BA फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान,
बिफोर दैट आई हैव डन MIT, आई हैव ऑल्सो डन दिस डिग्री फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इन 2016. बिफोर दैट आई हैव डन MBA फाइनेंस, दैट डिग्री इज ऑल्सो डन फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान. बिफोर दैट इन 2006 आई हैव डन माई बैचलर डिग्री इन लॉ, मीन्स टू से LLB फ्रॉम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी. तो इस तरीके से आपने जो है अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताना है. इसी तरह आप लोग जो है अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बता सकते हो. करंटली आई एम सर्विंग इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी दैट सबऑर्डिनेट लाहौर हाई कोर्ट लाहौर एज एन IT असिस्टेंट. तो इस तरीके से आप अपना जो है एक्सपीरियंस के हवाले से भी बता सकते हो. लास्ट की जो हमारी रिक्वायरमेंट थी दोस्तों, उसमें भी हमने कुछ कोर्स के बारे में बताना था और हमने इस कोर्स से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसके बारे में बताना था. करंटली आई एम स्टडिंग BT 301 इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी एंड दिस कोर्स विल हेल्प मी टू कंप्लीट माय डिग्री BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और BS कंप्यूटर साइंस और BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BS बायो टेक्नोलॉजी. एंड आई विल एक्सपेक्ट दिस कोर्स विल हेल्प मी टू इम्प्रूव और टू गेट द हायर CGPA. तो इस तरीके से आपकी जो रिक्वायरमेंट है इस असाइनमेंट की वो पूरी हो जाती हैं. व्हेन यू आर फिनिशिंग योर ऑल रिक्वायरमेंट्स जो हमें 5 पॉइंट्स की सूरत में दी गई हैं, जब आप ये दोस्तों रिकॉर्ड कर लें तो उसके बाद आप लोगों ने जो है इस स्टॉप के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है. जैसे ही हम स्टॉप के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी. और यहाँ पे देखें ये प्ले का बटन भी आ रहा है, हम इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन भी सकते हैं. तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे ये डिफरेंट नीचे आइकन नजर आ रहे हैं फी मोर पे, जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन पे आप लोगों ने चले जाना है. जब हम ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है ये एक नई विंडो ओपन होगी और यहाँ पे जो है देखें आपको नजर आ रहा होगा कि हमारी रिकॉर्डिंग वाली जो फाइल है वो यहाँ पे आ गई है. तो हमने इस फाइल का जो है अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम 10 विंडो 10 यूज कर रहे हैं तो आपने जो है इस तरह आपके सामने आ जाएगा. अगर कोई आप और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको जो है जहां पे आपका ये साउंड रिकॉर्डर पड़ा हुआ है आपको उसके पाथ के ऊपर जाके वो अपनी फाइल जो है वो तलाश करनी पड़े, या आपके पास जो वॉइस रिकॉर्डर आएगा उसका यहाँ पे मेन्यू बार होगा तो वहां पे आपका फाइल मेन्यू के अंदर से जाके आप उसको अपने जहां पे भी सेव करना है वहां पे सेव भी कर सकते हो. तो जब आपकी ये फाइल सेव हो जाए तो आपने इसको जो है रीनेम करना है और इसका नाम रखना है जी ऑडियो इंट्रोडक्शन. तो ये ऑडियो इंट्रोडक्शन जो है ये वाली फाइल आपने अपने LMS के ऊपर जो है वो अपलोड करनी है. तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी ये असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हो. दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये असाइनमेंट BT 301 इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी की जो असाइनमेंट आई हुई है उसकी समझ आ गई होगी. दोस्तों आखिर में मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा एक चैनल है 24/7 टीचर्स ऑनलाइन, वहाँ पे मेरे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिसमें CF101 है, MGT101 है, CF201 है, MGT201 है, CX601 है, CF401 है, इसमें ACCA501 है, ECU401 है, ENG101 है और बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं. तो आप 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे जाइए और इन लेक्चर से भी
फायदा उठाइए। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो नीचे मेरा ईमेल एड्रेस भी दिया गया है और फोन नंबर भी दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर के ऊपर। मैं इंशाल्लाह आपकी जितनी भी क्यूरीज होंगी उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मोहसिन भाई को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सोल्यूशन में या GDP सोल्यूशन में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।